हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ पाठशाला पर। मैं अमन शर्मा। आज हम लोग क्षेत्रफल के क्रम में अगला टॉपिक वर्ग को पढ़ने वाले हैं, यानी स्क्वायर को पढ़ने वाले हैं। मैंने पीछे आपको सर्कल कवर करा दिया है। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाकर आप उस वीडियो को देखिए। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज के अपने क्लास के वर्ग से। क्या है वर्ग? तो सबसे पहले कुछ आपको बेसिक इसके गुण जान लेने हैं। उन गुणों में होता क्या है, किस प्रकार से हम वर्ग को समझते हैं, आज उसके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, देखिए वर्ग है क्या, सबसे पहले उसकी बात होने वाली है। वर्ग के गुण क्या होते हैं उसको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहली बात याद रखना है, जो वर्ग की चारों भुजाएं होती हैं आपस में वो क्या होती हैं, बराबर होती हैं। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो पहला गुण क्या हो गया आपका कि भाई वर्ग की चारों भुजाएं, वर्ग की चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है। कुछ आपको गुण याद रखना है, बाकी मैं आपको ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा तो ज्योमेट्री में उसके अलग गुण होंगे। ठीक है ना, बाकी कुछ बेसिक से गुण हैं याद रखो। अगला पॉइंट क्या याद रखना है आपको कि वर्ग का जो प्रत्येक एंगल होता है वो 90 अंश का होता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा गुण क्या होगा, प्रत्येक कोण कितने अंश का होगा भाई, 90 अंश का होगा। तीसरा पॉइंट क्या याद रखना है, वर्ग के जो आप विकर्ण होते हैं दो, यानी ये है D1 और ये है आपके पास D2, तो वर्ग के दोनों ही विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं, दोनों विकर्ण आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं। बाकी ये भी आपको पढ़ना है कि ये 90 एंगल पर डिवाइड करते हैं, लेकिन ये सब आपको काम कहाँ आएगा, जब हम लोग ज्योमेट्री को कवर कर रहे होंगे। अभी मेंसुरेशन को कवर कर रहे हैं तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ हम एरिया निकालने की बात करते हैं। लेकिन फिर भी मैंने आपको इसके कुछ बेसिक गुण थे उनको बता दिया है। पहला क्या याद रखना है, वर्ग की चारों भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। दूसरा क्या याद रखना है, इसका प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। तीसरा, वर्ग के दोनों विकर्ण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यहां तक आपकी बात क्लियर हो गई हो तब मैं आगे बढ़ जाऊं। आराम से थ्योरी को समझना, जब थ्योरी कवर हो जाएगी तो आज के ही क्लास में हम कुछ इसका बेसिक क्वेश्चन लेंगे जो सूत्र पे बेस होगा। ठीक है, तो मेरे साथ आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला कुछ इसमें समझना आपको बाकी है। अब समझो भाई, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, तो वर्ग। अब वर्ग के जो बेसिक गुण होते हैं उनको मैंने आपको बता दिया, तो अब बाकी कुछ और समझिए। वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है भुजा का स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर होता है। बोलो बात क्लियर हो गई। या क्या होता है, या आपका 1/2 विकर्णों का स्क्वायर होता है। 1/2 विकर्ण का स्क्वायर। बोलो यहां तक बात कवर हो गई। अगर भुजा दे रखी है आपको तो सीधा सीधा वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर हो जाएगा, और यदि आपको विकर्ण दिया हुआ है तो 1/2 विकर्ण का स्क्वायर आप वर्ग का एरिया लगा दोगे। ठीक है भाई, तो यहां तक आपकी बात कवर हो गई। चलिए दूसरा पॉइंट, ये पहला कवर हो गया। दूसरा, वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप क्या होगा? तो परिमाप होता है चारों तरफ की चली गई दूरी, यानी बाहरी बाहरी जो आपका परिधि है वो परिमाप होता है। और हम जानते हैं कि जो वर्ग की भुजाएं होती हैं चारों, वो आपस में क्या होती है, बराबर होती है। वर्ग की चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, इसीलिए परिमाप हो जाएगा 4a। ए क्या है, वर्ग की भुजा है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं वर्ग के विकर्ण की। वर्ग का विकर्ण क्या होता है, तो √2 × 1 भुजा होता है। वर्ग का विकर्ण √2 × 1 भुजा कैसे आता है ये भी जान लीजिए। देखिए, ये अपने पास वर्ग का विकर्ण हो गया,
और वर्ग का प्रत्येक एंगल कितने का होता है, 90 अंश का होता है। ये ए है, ये समकोण त्रिभुज बन गया, तो ये अब निकालना है पाइथागोरस प्रमेय से। कैसे निकालोगे, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो अब इसको तो हम लिख ही सकते हैं रूट टू इंटू एक भुजा। बात कवर हो गई यहां तक, तो विकर्ण कितना होता है वर्ग का, रूट टू इंटू एक भुजा। तो याद क्या रखना, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर, दूसरा वर्ग का परिमाप फोर ए, वर्ग का विकर्ण रूट टू इंटू एक भुजा। ठीक है, याद हो गया, तो आगे बढ़ा जाए। चलिए आगे कुछ समझिए, अब वर्ग में रास्ते की हम लोग बात करते हैं, वर्ग में रास्ते की बात करते हैं। काफी बच्चे इस रास्ते से परेशान रहते हैं। आज के बाद मेरा ये वादा है आपसे, थ्योरी को अगर अच्छे से पढ़ लिया तो कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाने वाला है। तो लिखता हूं, जब वर्ग के बाहर रास्ता बना हो, जब वर्ग के बाहर रास्ता बना हो, तब आप रास्ते का एरिया कैसे निकालोगे। दोस्त आराम से समझना, पहले कह चुका हूं, ये अपने पास एक वर्ग है, मैंने क्या किया इसके बाहर एक रास्ता बना दिया, तो फटाफट से हम एक रास्ते को बना देते हैं इसके बाहर। वर्ग था एक, वर्ग के बाहर हमने एक रास्ता कवर किया है, और इस रास्ते की हम चौड़ाई जो मान लेते हैं यहां से, वो एक्स मान लेते हैं। रास्ते की चौड़ाई कितनी है भाई, चारों तरफ से बराबर है, यानी एक्स है। ठीक है, तब आप इस रास्ते का एरिया कैसे निकाल रहे होगे, डायरेक्ट याद रखना है, कुछ भी नहीं करना है दोस्त मेरे। रास्ते का क्षेत्रफल बहुत ही ईजी है, रास्ते का क्षेत्रफल याद रखना है 4x ब्रेकेट a प्लस एक्स, याद हो गया 4x ब्रेकेट a प्लस एक्स। अब आप कहोगे सर ये तो बता दो यहां है क्या क्या, तो मैं कहूंगा x है यहां पर रास्ते की चौड़ाई, ठीक है, और a है यहां पर वर्ग की भुजा। कौन से वर्ग की भुजा, जिसके बाहर जो रास्ता बनाया गया है, ये अपने पास यहां से ये पूरी ए है, ये वाली, ठीक है, वर्ग की ये भुजा होगी। तो याद रखोगे जब रास्ता वर्ग के बाहर बना होगा तो रास्ते का क्षेत्रफल 4x ब्रेकेट a प्लस एक्स होगा, याद हो गया 4x ब्रेकेट a प्लस एक्स। एक्स क्या है, रास्ते की चौड़ाई, ए क्या है, उस वर्ग की भुजा। बाकी आप ऐसे भी समझ सकते हो, बड़े वर्ग के क्षेत्रफल में से छोटे वर्ग का क्षेत्रफल घटा दोगे तो रास्ते का एरिया निकल के आ जाएगा। तो आप बिल्कुल फिक्र मत करो, जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा रास्ते वाले तो आपको बेसिक से भी करा दूंगा, जिससे आपकी नॉलेज और अच्छी से कवर हो जाए। बाकी आप डायरेक्ट इसको याद रख लोगे तो एग्जाम में कैलकुलेशन भी बहुत सिंपल होगी और आप बना भी पाओगे जल्दी से। ठीक है, तो रास्ते का एरिया क्या होगा, 4x ब्रेकेट a प्लस एक्स, एक्स रास्ते की चौड़ाई, a है वर्ग की भुजा। ठीक है, तो ये हो गया जब वर्ग के बाहर रास्ता बना हो। अब अगला एग्जाम में पूछा जाता है जब रास्ता वर्ग के अंदर बना हो, जब रास्ता वर्ग के अंदर बना हो, वर्ग के अंदर बना हो, ठीक है, कैसे भाई, जैसे मान लीजिए ये आपके पास एक वर्ग हो गया, अब इस वर्ग के अंदर आपने एक रास्ता बना दिया, इसके अंदर बना हुआ है अब ये रास्ता, ठीक है, तब आपसे पूछा हुआ है कि रास्ते का बताइए क्या क्षेत्रफल होगा, ये एक्स है, ये क्या एक्स क्या है, रास्ते की चौड़ाई है, और ए यहां क्या होगा, वर्ग की भुजा होगा जिसके अंदर बना होगा, ये अपने पास ए होगा पूरा। ठीक है, आराम से समझना है, जल्दबाजी नहीं करना है बिल्कुल भी दोस्त मेरे। अब इसके अंदर रास्ता बना है, तब रास्ते का एरिया, रास्ते का क्षेत्रफल डायरेक्ट याद रखो कुछ नहीं है, 4x ब्रेकेट a माइनस एक्स, उधर जब रास्ता बाहर बना था तो आपने प्लस कर दिया, और इधर जब रास्ता अंदर बना हुआ है तो आपने माइनस कर दिया। ठीक है, 4x ब्रेकेट a माइनस एक्स होगा,
कब? जब रास्ता अंदर बना होगा तब। एक्स क्या है भाई? रास्ते की चौड़ाई है, रास्ते की चौड़ाई है जितनी दे रखी होगी। और ए क्या होगा भाई? वर्ग की भुजा होगा, वर्ग की भुजा आपके पास क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। बोलो बात क्लियर हो गई? यहां तक बात समझ में आ गई? जब रास्ता वर्ग के बाहर बना हो तो क्या होगा? 4x ब्रैकेट a प्लस x। जब रास्ता वर्ग के अंदर बना हो 4x a माइनस x। अंदर बनेगा आप माइनस करोगे और जब रास्ता बाहर बनेगा आप प्लस कर दोगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपके? यहां तक ठीक है। वर्ग के अंदर दो रास्ते बने हो, जब वर्ग के अंदर दो रास्ते बने हो दो रास्ते भी आपके वर्ग के अंदर बनते हैं, कैसे? जरा मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा, आराम से समझना है। ये आपके पास एक वर्ग है, इसकी भुजा अपने पास इस प्रकार से दे रखी है भाई, ठीक है, ए दे रखी है हमको, और इसके अंदर समानांतर रूप से एक दूसरे के दो रास्ते इस प्रकार से बना दिए गए हैं ऐसे, और इन रास्तों की जो चौड़ाई है वो हमको दे दी गई है एक्स है, ठीक है। तो हमसे जो पूछा जाता है वो रास्ते का एरिया बता दो कितना होगा, यानी ये जो रास्ता बन गया इसका एरिया कितना होगा। देखिए एक चीज समझिए, YouTube पर ज्यादा चिल्लाने से अगर आपको समझ में आता है तो आप वैसे समझ लीजिए, और कम समय में अधिक कॉन्सेप्ट सीखना है तो आराम से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। इन्हीं चीजों को मैं चाहूं तो आपको दो घंटे में समझा दूं, वीडियो को लंबा करके कोई फायदा नहीं है उसका, समय बहुत कम है, रेलवे का पेपर पास में और भी एग्जाम आपके आ रहे हैं, तो जल्दी से आप सिलेबस को कवर कर लीजिए और बार बार कोशिश करिए उसको रिवाइज करने की। नोट्स आपने शुरू से बनाया लिया होगा और मैं भी आपको पूरा मैथ इसी प्रकार से सॉल्व कराऊंगा, ये मेरा आपसे वादा है, ठीक है ना। तो हमसे रास्ते का एरिया पूछा जाएगा कब? जब रास्ते दो अंदर हों। तब आपको डायरेक्ट क्या याद रखना है? रास्ते का क्षेत्रफल, ठीक है, दो रास्ते होंगे तो क्षेत्रफल कैसे निकालोगे? तो याद रखना है एक्स ब्रेकेट टू ए माइनस एक्स, कितना ईजी है देखो, बिल्कुल भी कुछ नहीं करना है। कुछ बच्चे कहेंगे सर बेसिक मनवा दीजिए, फिकर मत करो, बेसिक भी कराऊंगा, क्वेश्चन आएगा बेसिक भी सॉल्व कराऊंगा, बसरते जब आप क्वेश्चन इस प्रकार से करोगे आप देखोगे चीजें कितनी आपकी सिंपल हो रही है, कितने सिंपल वे में आप क्वेश्चन को पकड़ पा रहे हो, ठीक है ना। एक्स क्या है यहां पर? तो एक्स होगी रास्ते की चौड़ाई, रास्ते की चौड़ाई जो बार बार मैंने लिखा है उसी को समझो। ए क्या होगा आपका? तो ए होगा अपने पास वर्ग की भुजा, ए क्या भी अपने पास वर्ग की भुजा, तो आसानी से आप दिए गए रास्ते का क्षेत्रफल निकाल सकते हो, बाकी बेसिक भी निकाल सकते हो। कैसे? ये रास्ता ए है, चौड़ाई x, ए गुणा x इस रास्ते का एरिया होगा, ए गुणा x इस रास्ते का एरिया होगा, इसमें से आप इस वर्ग को घटाओगे, फिर वो बेसिक कराऊंगा, बिल्कुल डोंट वरी, ठीक है ना। आपको याद रखना है डायरेक्ट, क्योंकि एग्जाम में समय कम है और मैंने आपसे वादा किया है मेंसुरेशन अर्थमेटिक से भी आपको ईजी लगेगा, ठीक है, हो गया कवर। तो मैंने तीन रास्ते पढ़ा दिए आपको, एक वर्ग के बाहर रास्ता हो, और एक वर्ग के अंदर रास्ता हो, और एक आपके जब वर्ग के अंदर दो रास्ते बने होंगे तो आप रास्ते का एरिया कैसे निकालोगे। अभी हम लोग थ्योरी में पहले एक एक करके सभी को कवर कर लेते हैं, फिर इनसे संबंधित जब टाइप आगे में पढ़ाऊंगा दोबारा इन बातों को रिपीट करूंगा, जिससे आपका एक एक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो पाए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, वर्ग में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या आता है? देखिए एग्जाम में वर्ग के अंदर वृत्त बनाया जाता है दोस्त मेरे, एग्जाम में वर्ग के अंदर वृत्त बनाया जाता है और उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं किस प्रकार से। देखिए हमने ये एक वर्ग बना लिया और जिस वर्ग की भुजा हमारे पास मान लेते हैं हम ए है, आराम से समझना है, जिस वर्ग की भुजा अपने पास ए है और आपसे कहेगा इस वर्ग के चारों भुजाओं को टच करते हुए एक वृत्त बनाया जाता है
तो हमने ये व्रत बना दिया यहां से। हो सकता है आपसे व्रत का एरिया पूछ ले, व्रत की त्रिज्या पूछ ले, व्रत का व्यास पूछ ले, तो आराम से समझना दोस्त हमारे। यहां पर देखने पर आप एक चीज ये पाओगे, अगर मैं मान लूं ये आपके पास व्रत का केंद्र है, और यदि ये व्रत का केंद्र है तो अगर मैं एक लाइन ऐसे इस प्रकार से खींच देता हूं, ये केंद्र हो गया, अगर मैं एक लाइन ऐसे डाल दूं तो देखने पर आप पाओगे ये व्रत का तो व्यास है लेकिन वर्ग की ये भुजा है। ये व्रत का व्यास है और यही वर्ग की भुजा है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि 2R बराबर A है, ठीक है। और जब मुझे त्रिज्या निकालनी हो तो A का सीधा आधा कर दो। बोलो बात क्लियर हो गई यहां तक। यदि आपको वर्ग के अंदर बना व्रत दिया हुआ है तो त्रिज्या क्या होगी, वर्ग के भुजा की आधी होगी, सीधा याद कर लो, हो जाएगा याद, अच्छा लगा ना। फिर देखो एक बार, यदि वर्ग के अंदर व्रत बना हुआ हो और आपको त्रिज्या चाहिए तो हम जानते हैं यहां से व्रत का जो व्यास होगा वो वर्ग की भुजा के बराबर होगा। तो ये व्रत का व्यास है और ये वर्ग की भुजा है, व्रत का व्यास 2R, वर्ग की भुजा A है, ठीक है। तो यहां से R हो गया वर्ग की भुजा का आधा। बोलो बात क्लियर हो गई यहां तक, समझ में आ गया ना अच्छे से, ठीक है। आगे समझिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, जब वर्ग के बाहर व्रत बना हो इसे कहते हैं बाह्य व्रत और इसको हम बोलते हैं अंतः व्रत। ये याद रखना, थोड़ा सा इसको पेपर में लिख के देगा अंतः व्रत, ठीक है, और इसको लिख के देगा बाह्य व्रत। तो जब वर्ग के बाहर उसके चारों कोनों को टच करते हुए व्रत निकलता है, तो यहां भी कुछ आपको बहुत आराम से याद रखना है। अपने पास जो वर्ग की भुजा है वो A है, हम प्रत्येक रूप में यहां से वर्ग की भुजा को A मान लेते हैं, ठीक है भाई। अब हुआ क्या, इनके चारों कोनों को टच करते हुए एक बाह्य व्रत निकलता है जिसे परिव्रत भी कह सकते हैं। तो ये बाह्य व्रत हो गया, सही नहीं बना लेकिन व्रत आप मान लेना कि व्रत बना हुआ है। अब क्वेश्चन में क्या याद रखना, देखो आराम समझना। मान लेते ये इस व्रत का केंद्र बिंदु है, ठीक है, गौर समझिए। अगर मैं इस प्रकार से एक लाइन खींच दूं तो आप पा रहे हो ये वर्ग का आपके पास विकर्ण है और व्रत का ये आपके पास व्यास है, समझ गए ना। तो ऐसे केस में क्या होता है, ऐसे केस में वर्ग का जो विकर्ण होता है वो व्रत के किस बराबर होता है, किसके, व्यास के, सीधा सीधा याद रखो। तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है, तो √2 × 1 भुजा बराबर व्रत का व्यास कितना होगा 2R, और सीधे त्रिज्या निकालनी होगी तो हम जानते हैं 2 × 1 भुजा / 2, यानी विकर्ण का आधा कर दो तो आपके पास त्रिज्या निकल के आ जाएगी परिव्रत की, यानी बाह्य व्रत की। बोलो बात कवर हो गई, समझ में आ गई थ्योरी यहां तक। तो इतनी ही थ्योरी आपके पास यहां से बनती है, ठीक है। बोलो बात क्लियर हो गई है, चलिए कवर हो गई। तो एक बार मैं रिवाइज करा देता हूं, जब वर्ग के बाहर व्रत बना हो तो क्या होता है, वर्ग का विकर्ण बराबर होगा व्रत के व्यास के। जब अंतः व्रत बना हो तो व्रत का व्यास बराबर होगा वर्ग की एक भुजा के। उसके बाद जब वर्ग के अंदर दो रास्ते बने होंगे तो सीधा सीधा याद रखना x·2a − x याद रखना है। जब वर्ग के अंदर रास्ता बना हो, ठीक है, तो 4x·a − x, और वही रास्ता यदि बाहर हो तो 4x·a + x, ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा। चलिए आगे, जब वर्ग के बाहर रास्ता, ये मैं रिपीट कराई दिया आपका, उसके बाद ये वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर होता है या फिर 1/2 विकर्ण का स्क्वायर होगा। परिमाप क्या होता है, 4a होता है। विकर्ण क्या होता है, √2 × 1 भुजा होता है, ठीक है। आगे,
ये कुछ बेसिक से आपके वर्ग के गुण थे। वर्ग की चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, दोनों विकर्ण आपस में बराबर होते हैं और एक दूसरे को 90 एंगल पर डिवाइड करते हैं। ये तो थी आपकी सर्कल की कुछ बेसिक सी थ्योरी जो आपको जानना था जरूरी। हालांकि मैं हर टाइप में भी आपको इसको रिपीट करते रहूंगा जब तक वर्ग चलेगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग शुरुआत करते हैं वर्ग के टाइप बन के कुछ बेसिक क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन में कहा गया है एक वर्ग का विकर्ण की लंबाई 4√2 सेंटीमीटर है, ठीक है। अगर वर्ग के विकर्ण की लंबाई 4√2 सेंटीमीटर है, हम जानते हैं वर्ग का विकर्ण होता है √2 × 1 भुजा और बराबर 4√2 दे रखा है, √2 से √2 कैंसिल, 1 का मान आ गया 4। आगे पढ़ो, यह दूसरे वर्ग के क्षेत्रफल इस वर्ग के क्षेत्रफल का दुगना है, यानी कोई दूसरा एक वर्ग है वो इसके क्षेत्रफल के दुगने के बराबर है। बड़े वर्ग के विकर्ण की लंबाई बता दो, तो देखो इसका क्षेत्रफल होगा भुजा का स्क्वायर 16, जो किसी दूसरे वर्ग के क्षेत्रफल के दुगने के बराबर है, यानी इसका दुगना होगा जो भी आपका उसकी भुजा मान लेते हैं ए स्क्वायर होगी। बोलो बात कवर हो गई। एक अन्य वृत्त दिया हुआ, एक अन्य वर्ग दिया हुआ है जिसका क्षेत्रफल इस वर्ग के क्षेत्रफल के दुगने के बराबर है, यानी कितना है 16 × 32 है। तो क्या मैं इसकी एक भुजा निकाल सकता हूं बड़े वर्ग की? तो ये आ जाएगी 4√2। क्वेश्चन कहता है बड़े वर्ग का विकर्ण, तो विकर्ण क्या होगा √2 × 1 भुजा होगा या नहीं, ठीक है। तो √2 अपने पास है ही और a का मान 4√2 है, √2 की गुणा √2 से होगी, तो ये अपने पास आएगा 4 × 2 यानी 4 × 2 = 8 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन आंसर होगा? तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट वन आंसर हो गया। बोलो बात अच्छे से समझ में आ गई, क्लियर हो गया क्वेश्चन? बहुत बेसिक क्वेश्चन लिया है मैंने, अच्छे से आपको समझना है। क्लास कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक करिए और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करो। आपको पता है हर रोज मैं वीडियो शाम को 7 बजे अपलोड करता हूँ और इस प्रकार से सिक्वेंस वाइज पूरे यूट्यूब पर आपको कोई नहीं पढ़ाएगा, ये आपको याद रखना है। यदि आप भी चाहते हैं अपने दोस्तों को इसी प्रकार का मैथ कराना तो जरूर आप वीडियो को शेयर करिए उनको, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं 2 नंबर। एक वर्गाकार मैदान का परिमाप इतना है, यदि उसका क्षेत्रफल यानी भुजा का स्क्वायर 196 है तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 14 आ जाएगी, ठीक है। अब आपको वर्ग का परिमाप दे रखा है, परिमाप क्या होता है 4a, तो 14 × 4 = 56, ये परिमाप हो गया, किसके बराबर होगा 8x + 24 के होगा, यानी 24 इधर आके माइनस होगा, कितना बचेगा 32, तो 8x का मान 32 हो गया, यानी x का मान कितना आएगा 8 × 32 = 4 आएगा। और क्वेश्चन हमसे यही पूछ रहा था भैया कि बता दीजिए x का मान कितना होगा, तो x का मान कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट वन आंसर। क्लियर हो गया सवाल, समझ में आ गया, ठीक है। सवाल नंबर 3 देखिए, बहुत ही प्यारा और बेहतरीन क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट समझना। 135 रुपया प्रति हेक्टेयर की दर से किसी वर्गाकार खेत की फसल काटने का जो कुल खर्च है वो 1215 रुपए का है। इस खेत के चारों ओर 75 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से बाड़ लगाने का खर्च क्या होगा? तो सबसे पहली बात आपको याद रखना है, जो एक हेक्टेयर होता है दोस्त वो 10,000 मीटर² के बराबर होता है। पहले तो याद क्या रखना है, एक हेक्टेयर 10,000 मीटर² के बराबर होगा। अब आइए सवाल पर, तो भाई अगर हम बात करें क्षेत्रफल की, देखो 135 रुपया प्रति हेक्टेयर की दर से वर्गाकार खेत की फसल काटने का कुल खर्च इतना है। यदि मैं आपसे ये कहूं एक फसल का 2 रुपया बीघा से खेत की कटाई होती है और 10 रुपया आपको मिल गया, तो कितने बीघा खेत की कटाई आपने कर दी? तो आप कहोगे सर रुपया में आप जितना प्रति बीघा मिलता है उससे भाग दे दो, यानी 2×5 = 10, यानी 5 बीघा खेत की कटाई आपने कर दी, ठीक है। तो वही आपको यहां करना है, क्या करना है भैया? तो देखो वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेना है,
बड़े ही आसानी से निकल आएगा। कुल खर्च कितना है? 1215 रुपया है। कितने रुपया हेक्टेयर के साथ ही कटाई होती है? 135 रुपया पर हेक्टेयर। ठीक है, समझ गए यहां तक? ओके, आगे समझो। अब ये रुपया प्रति हेक्टेयर है, वो बाद में हम चेंज कर लेंगे, इसकी भुजा ए स्क्वायर मान लेते हैं। ठीक है, 135 से डिवाइड करोगे सीधा सीधा 9 बार में जाएगा। ये 9 क्या आ गया? हेक्टेयर में ही तो आएगा। अब इसको चेंज करना है कि इसमें मीटर में, तो 10,000 से आप गुणा कर दोगे, तब ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 होता है 9 होता है 3 का वर्ग, बाहर रूट से आएगा, और यहां से आपका 100 आएगा, तो कितना हो गया? 300 हो गया उस वर्ग की भुजा। क्लियर क्वेश्चन? ठीक है, आगे देखो। इस खेत के चारों ओर 75 पैसे प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का खर्च, यदि आप इस वर्ग के चारों तरफ बाड़ लगाते हो, तो बाड़ जो आप लगाओगे वो परिधि पर ही तो लगाओगे, खेत के चारों तरफ क्या होता है उसका परिधि यानी परिमाप होता है। तो बाड़ लगाने का खर्च की बात चल रही है, बाड़ खर्च की। ठीक है, अब आओ इधर ध्यान से समझो मेरी बात। तो 4 होगा परिमाप इसका, बाड़ लगाओगे परिमाप पे 4, ए की वैल्यू कितनी आ गई? 300 आ गई। ठीक है, कितने रुपया प्रति मीटर इधर से है? 75 पैसे। इसको रुपया में चेंज कर लोगे तो 100 से भाग दे दो। अब इसका सॉल्यूशन कर लीजिए, यहां से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 75 चौका 300 हो जाएगा, और 3 तिया आपके पास कितना हो जाएगा? 900। तो यही पूछा था भैया कि बता दीजिए उसके चारों तरफ बाड़ लगाने का जो कुल खर्च होगा वो कितना होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा 900 रुपये। याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है, ऐसा जब भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो इसी प्रकार से क्या आप सॉल्व कर लोगे। क्लियर हो गया यहां तक? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर। एक व्यक्ति 4 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से एक वर्गाकार खेत के विकर्ण को 3 मिनट में पार कर लेता है, खेत का क्षेत्रफल बता दो कितना है। समझो बात को भाई, ये अपने पास एक वर्ग है, अगर कोई इसके विकर्ण को पार करता है तो सबसे पहली बार 2 × 1 भुजा को पार करता है, ठीक है, और 4 की चाल से पार करता है जो 3 मिनट में पार कर लेता है। अब आइए, क्या पूछा है? वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग यानी खेत का क्षेत्रफल। खेत का क्षेत्रफल कब निकाल पाओगे? जब आपके पास ए की वैल्यू आपको पता हो, करिए सॉल्व। तो इसी को पार करेगा, √2 × a, दूरी हो गई, दूरी बटे चाल, समय होता है 4 है 4, समय है 3 मिनट, मिनट को सेकंड में चेंज कर लोगे 60 से गुणा, इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लो, ये मीटर प्रति। अब देखो, दूरी बटे चाल समय, दूरी बटे चाल समय से इसको मैंने सॉल्व कर दिया। ठीक है, अब डिवाइड करो भाई, तो ये हो जाएगा कितना? 6 × 3 = 18 और 6 × 2 = 60 और 3 से ये 3 कैंसिल। ठीक, 4 गुणा इधर हो जाएगी तो 40 हो जाएगा। ए की वैल्यू कितनी आएगी? 4 × 5 = 20, 2 × 2 = 200 और बटे में √2 आ जाएगा। क्वेश्चन कहता है खेत का एरिया, तो एरिया होगा भुजा का स्क्वायर होगा या नहीं? ठीक है, तो 200 का स्क्वायर कितना होगा भाई? इसके पीछे 2 जीरो और लगा दो, और √2 का स्क्वायर होगा 2, रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 2 × 2 = 4 और आंसर आ गया अपने पास यहां से 20,000 वर्ग मीटर होगा आपके क्वेश्चन का आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट बन आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई बात? यदि आपको कोई सी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होती है, आप हमें कमेंट कर सकते हो, आपके कमेंट का मैं रिप्लाई दूंगा, और कम समय में अधिक क्वेश्चन में आपको सॉल्व करा रहा हूं विद कॉन्सेप्ट के साथ, इतना अच्छा आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा, ये मेरा विश्वास मानिए। एक तरफ से आप चेक करके देखिए, हर टीचर ने आधी अधूरी वीडियो बना रखी है, और आप एक प्रकार से सिक्वेंस बाई पूरा मेंसुरेशन को पढ़ने वाले हैं, जो आपके हर प्रकार के एग्जाम में बहुत ही आपको बेनिफिट पहुंचाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं आप साथ के साथ नोट्स भी अपने तैयार कर रहे होंगे, नोट्स बनाते रहिए, और मेरे जो भी क्वेश्चन मैं इसमें छोड़ देता हूं आप उसका आंसर कमेंट में जरूर दिया करो। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, 2 वर्गों के क्षेत्रफल का रेशियो इतना है, इनके परिमिति कितना कितना होगा, आंसर कमेंट करके बताओगे। 2 वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा जबकि पहले वर्ग का विकर्ण दूसरे वर्ग के विकर्ण का दुगना हो, कमेंट करना आंसर कितना होगा, या करा देता हूं। एक वर्ग की प्रत्येक भुजा
में 5 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दी जाए। ठीक है भैया, तो सबसे पहली बात तो यही होगी ना, वर्ग की भुजा कितनी है। तो वर्ग की भुजा हम मान लेते हैं अपने पास यहां से ए है, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, ए स्क्वायर होगा। ठीक है, क्वेश्चन कहता है यदि वर्ग की भुजा 5 बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल 165 बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है, 165। तो भाई नई वर्ग की भुजा कितनी हो जाएगी, नई वर्ग की भुजा तो इसमें 5 की वृद्धि हो जाएगी यानी a प्लस 5, तब इसका एरिया कितना होगा। तो आप कहोगे सर इतना होगा भैया। ठीक है, अब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 165 है, तो करिए सॉल्व, a प्लस 5 का होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बराबर 165 हो गया। a प्लस b का होल स्क्वायर है, खोलिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, तो 10a हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर बराबर 165। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, जरा मैं इसको इधर लिख देता हूं यहां। ठीक है, तो 25 इधर आके माइनस, ठीक, तो 10a की जो वैल्यू आएगी 25 माइनस कर दोगे 165 में से, तो 140 आ जाएगा। ये कैंसिल हो गया 0 से 0, ए की वैल्यू आ गई अपने पास 14। क्वेश्चन कहता है वर्ग की भुजा की लंबाई बताओ, तो यही हमसे पूछा गया था, वर्ग की भुजा की लंबाई कितनी होगी, 14 सेंटीमीटर। हो गया सवाल क्लियर, समझ में आ गया। वर्ग की भुजा हमने a मान ली, अब कहता है वर्ग की भुजा को 5 बढ़ा दो तो इतनी हो गई। दोनों के क्षेत्रफल में जो डिफरेंस है पहले वाले में और नए वाले में वो 165 वर्ग मीटर का है, और जाहिर सी बात है जो भुजा ज्यादा होगी उसका क्षेत्रफल अधिक होगा और जो भुजा कम होगी उसका क्षेत्रफल भी क्या होगा, कम होगा। तो इन दोनों ही क्षेत्रफल का जो डिफरेंस दे रखा था वो 165 दे रखा था, और सॉल्व किया सवाल तो 165, ए का मान आ गया 14, और यही पूछा था वर्ग की भुजा कितना होगा। हो गया क्लियर, समझ में आ गया सवाल, आगे बढ़ा जाए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8, क्या समझे, एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल 242,000 वर्ग मीटर है, 24,200 वर्ग मीटर है। क्वेश्चन में कहा गया है 4.4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहे किसी व्यक्ति को इसके विकर्ण को पार करने में कितना समय लगेगा। वही बात घूम फिर के आ रही है दोस्त, विकर्ण को पार करने में समय पूछा है, तो भाई विकर्ण को पार करेगा इसका मतलब √2a को पार करेगा। बोलो बात समझ में आ गई यहां तक, तो अब हो जाइए शुरू। तो क्षेत्रफल दे रखा है यानी भुजा का स्क्वायर बराबर 242 के पीछे 20, 24,200। अगर मैं a का मान निकालना चाहूं तो ये ऐसे हो जाएगा कुछ, तो a का वैल्यू कितना आएगा, रूट से बाहर निकाल लो इसको, अपनी चतुराई के साथ निकालना है दोस्त, रूट से बाहर। ठीक है ना, कैसे निकालो देखो, इसको लिख सकते हो ना 121 गुणा 2, और इसको अलग कर लो 100 हो जाएगा। ठीक है, तो रूट से बाहर कितना आ जाएगा, 121 का 11 है और 100 का आ जाएगा 10, और ये रूट में रह जाएगा। ठीक है, तो a की वैल्यू हो गई 110√2। बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने रूट से बाहर निकाल दिया। ठीक है, यहां तक समझ गए, आ गया ये नेक्स्ट। अब a का मान आ गया तो वेरी इजी, विकर्ण का मान तो निकाल ही लोगे रे भाई, तो अब विकर्ण को पार करने में लगा समय, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है, √2 × a, a की वैल्यू अपने पास आ गई यहां से 110√2। चलो आ जाओ नीचे, चाल कितनी है 4.4 किलोमीटर प्रति आवर है, इसको मीटर प्रति सेकेंड में बदलने का हमारा पूरा हक है। ठीक है, ठीक है भाई, अब देखिए √2 × √200 होगी तो ये 2 रह जाएगा, और 2 से हम एक काम कर लेते हैं, इसको हटा देते हैं एक ही बार में, 2.2। ठीक है, आई बात समझ में यहां तक, थोड़ा कैलकुलेशन को इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, ये 18 ऊपर ले जाओ तो ये हो जाएगा 110 × 18, और नीचे बचेगा भाई 2.2 × 5 बचेगा, दशमलव हटाओगे तो 10 ऊपर बढ़ाओगे, 11 × 110 और 11 × 22 और 2 × 5 ये 10 और 5 से 5 कैंसिल, आंसर आ गया अपने पास 180 सेकेंड। अरे मीटर प्रति सेकेंड में चेंज किया, और 180 सेकेंड का मतलब कितना होता है, 3 मिनट होता है, तो ऑप्शन नंबर कितना आंसर होगा, ए। हो गया क्वेश्चन, समझ में आ गया। अब देख लीजिए आप इसी सवाल को, यूट्यूब पे टीचर क्या करते हैं, बड़े उल उल के समझाते हैं और बहुत समय लेते हैं लंबा,
कोई बेनिफिट नहीं है, समय बर्बादी है। ये आपको याद रखना है, एक बार समय आपके हाथ से निकल गया कभी वापस नहीं आएगा। ठीक है, लोग आपके दिलों में घुस घुस के आपका समय बर्बाद कर रहे हैं। आप समय की कीमत समझिए, दुनिया में सब वापस आएगा, समय वापस नहीं आएगा। ठीक है, समय को जितनी आसानी से और जल्दी आप भुना सकते हैं, समय का इंतजार आपको करना होगा, समय आपका इंतजार नहीं करेगा। ये आप मन में अपने बिठा लीजिए। तो मेरा आपसे एक ही आग्रह है, पढ़ाई करते समय आप एकाग्र होकर पढ़ाई करिए, बिल्कुल भी आप इधर उधर अपना समय मत भटकाइए। यदि आप YouTube पे कुछ देखने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर आप सर्च देखना कुछ और है, लेकिन सर्च कुछ और करने लग जाते हैं। एक चैनल पकड़ लीजिए, चाहे आप मेरा चैनल को पकड़ लो या किसी और का, उससे आप लगातार पढ़ाई करते रहिए, आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और कोशिश ये करिए आप गूगल के विकिपीडिया का यूज ज़्यादा से ज़्यादा करें। कुछ चीज़ समझ में नहीं आती है उधर सर्च करिए, ना कि YouTube पर। जितना आप सेल्फ स्टडी करोगे वही आपको पेपर में काम दिलाएगा। ठीक है, YouTube पर चार बातें आप सुनने से कुछ नहीं होने वाला है जब तक आप नोट्स नहीं बनाते हो। याद रखना है दोस्त, समय बर्बाद नहीं करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, दो वर्गों के क्षेत्रफल का अंतर 32 सेंटीमीटर है, यदि उनकी भुजाओं में अंतर 4 सेंटीमीटर का है, दोनों वर्गों की भुजाओं की माप। तो ये तो ऑप्शन सी बन जाएगा, देखिए सी ऑप्शन चेक कर लो। तो ये एरिया होगा 4 × 16, 4 × 16 के अंतर क्या 32 होगा? नहीं होगा। ये होगा 4 × 36 और 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4। इन दोनों का अंतर कितना हुआ? 32। तो यही वाला ऑप्शन हो जाएगा। अरे भाई क्वेश्चन में कहा गया था उन भुजाओं का अंतर 4 है, तो 6 का और 2 का अंतर 4 और उनके क्षेत्रफल का जो अंतर है वो 32 है, तो 36 और 4 का अंतर भी 32 हो गया। तो सीधा सीधा ऑप्शन से कर देंगे, क्यों बेसिक करेंगे भाई इसको। अगला टेस्ट, एक वर्ग का परिमाप 32 मीटर है, तो वर्ग का परिमाप 4a1 मान लो बराबर 32 है, तो यहां से a1 की जो वैल्यू आ जाएगी वो 4 × 8 = 32। आगे देखो, दूसरे वर्ग का परिमाप 24 है, तो 4a2 बराबर कितना है भाई? 24 है, तो यहां से a2 की जो वैल्यू आ जाएगी वो अपने पास कितनी आ जाएगी? ये भी 6 बार आ जाएगी, 6 × 4 = 24। उस वर्ग का विकर्ण ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के बराबर हो। ठीक है, देखो ध्यान से, मान लेते हैं जो नया वृत्त है उसका क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर है, ये जो क्षेत्रफल है नए वृत्त का वो इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है, यानी 8 का स्क्वायर 64 और 6 का स्क्वायर 36 और बराबर कितना? ये 100 है। तो यहां से ए की जो भुजा आ जाएगी, जो ए का मान आएगा वो 10। इसका आपसे पूछा गया है विकर्ण, और हम जानते हैं विकर्ण क्या होगा, इसका √2 × 1 भुजा, √2 हो गया और एक भुजा कितनी अपने पास? 10 है, तो आंसर हो गया 10√2। ठीक है, कौन सा ऑप्शन आंसर होगा आपका? 10√2, ऑप्शन नंबर डी इज राइट वन आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई बात यहां तक? अलग अलग परिमाप आपको दे रखा था, इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल का जो योग है वो एक तीसरे वर्ग के योग क्षेत्रफल के बराबर है। तो तीसरे वर्ग की हमने भुजा मान ली ए है, तो यहां से ए की वैल्यू 10 आ गई। इसका हमसे विकर्ण पूछा था और हमने आसानी से विकर्ण भी निकाल दिया। हो गया क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन देखो, एक वर्ग की विकर्ण की लंबाई इतनी है, वर्ग की भुजा सेंटीमीटर में, बताओ। आंसर कमेंट कर दोगे, अब तो काफी सवाल हो गए हैं ऐसे। नेक्स्ट, एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 26 सेंटीमीटर है, वर्ग की भुजा की लंबाई क्या होगी? इसका भी आंसर आप हमें कमेंट करके बताओगे। तो मैं उम्मीद करता हूं आज का क्लास आपको पसंद आया होगा। यदि क्लास पसंद आया है दोस्त, तो वीडियो को लाइक जरूर करना। ठीक है, आपके लाइक से होता है क्या, मुझे अगली वीडियो बनाने के लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन मिल जाता है। और आप इसी प्रकार से चाहते हैं मैथ को और आगे रेगुलर, तो बनाते रहिए नोट्स और देखते रहिए कंटिन्यू वीडियो। इसी के साथ मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट क्लास में, नए उत्साह और नए जुनून के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर।